Good morning, friends. Welcome to our channel KD Shivam. This is KD Mudaliar. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about defamation, libel, slander, and its defenses. Right? तो दोस्तों अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बाकी वीडियोस देखना है तो मैंने अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैक्सिम्स के लिए अलग बनाया है. तो यस, यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक द प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस. आई होप यू विल डू राइट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन प्रेस करना सो देट आपको हमारे अगले वीडियो का भी अपडेशन मिलता रहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डिफेमेशन? डिफेमेशन दोस्तों, ये डिफेमेशन क्या होता है? हमने हिंदी में सुना होगा मानहानि, राइट. एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और हम उसको बोलते हैं करप्टेड, हम उसको बोलते हैं कि ये बेईमान है, तो ही कैन क्लेम फॉर द डिफेमेशन, राइट. अगर किसी अच्छे इंसान को हम बोलते हैं ये चीटर है, अगर हम इस तरह का फॉल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं उनके बारे में, उनके क्रेडिट, उनके कैरेक्टर पे एक धब्बा प्रोड्यूस करते हैं, तो दे कैन क्लेम फॉर द डिफेमेशन. यस, राइट. ये डिफेमेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, साइन, जेस्चर, राइट. आप इशारा करेंगे तो भी गलत हो सकता है. सो दिस इज व्हाट डिफेमेशन इज. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन? द डिफेमेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन दैट इंज्यूर द रेप्यूटेशन ऑफ दैट पर्सन, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. डिफेमेशन वही होता है जो किसी इंसान का रेप्यूटेशन को खराब करे. तो व्हेन ऑब्जर्व थ्रू द आईज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, any false and unprivileged statement published or spoken deliberately or intentionally or knowingly with the intention to damage someone's reputation is called defamation. Okay dosto, so I hope you understood. Now next, a man's reputation is treated as his property and such damage are punishable by law. It could be written or verbal, right. So this is what the law has come out to protect the reputation of any person, right. So if the law considers the reputation as one of the property of that such person and it should not be damaged. So written defamation, printed or typed material or images is called as libel. So ye do types hain. तो इसमें जो अगर रिटन हो या प्रिंटेड हो या टाइप मटेरियल हो या किसी का इमेज हो जो उनके रेपुटेशन को बताता, खराब करता हो, उसको बोलते हैं लिबल. लेकिन जो वर्बल, ओरल और स्पोकन डिफेमेशन हो उसको बोलते हैं हम लोग स्लैंडर. प्राइमरी कंपोनेंट्स, डिफेमेशन के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से? सबसे पहला वाला है कि इट शुड बी अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट. देखिए स्टेटमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो उनके रेप्यूटेशन को खराब करे, ये इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी अबाउट द क्लेमेंट, राइट. जो क्लेम करते हैं उनके बारे में होना चाहिए. विच इज पब्लिश्ड, और वो स्टेटमेंट पब्लिश हुआ होना चाहिए. विच इज कॉस्ड और इज लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म टू द क्लेमेंट्स रेप्यूटेशन, राइट. तो विच इज कॉस्ट, उसके वजह से, या तो वो इसका इसके वजह से ये कुछ सीरियस हार्म हो सकता है. Am I right? For example, right? For example, ले लीजिए एक केस था जिसमें एक डॉक्टर ने ऐसे ही अनाउंस कर दिया था कि इनका जो ब्लड रिपोर्ट है ये कुछ रोग है, बराबर. ऐसे देखने जाए तो डॉक्टर के पास प्रिविलेज होता है कि वो इन्फॉर्म करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबको इन्फॉर्म करें, सिर्फ पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है. लेकिन वो ऐसे वो चीज़ उन्होंने ऐसा इन्फॉर्म कर दिया और इसकी वजह से उनका एंगेजमेंट टूट गया, या तो उनकी शादी का जो मैरिड लाइफ है वो बिगड़ गया. तो ये सब हो सकता है. तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर डिफेमेशन. ओके, सो हिस्ट्री ऑफ डिफेमेशन जानते हैं. डिफेमेशन कब, कहाँ और कैसे ट्रीट करता है, राइट. हिस्ट्री ऑफ डिफेमेशन कैन बी ट्रेस्ड इन रोमन लॉ एंड जर्मन लॉ. तो एब्यूसिव चार्ट्स, एब्यूसिव, राइट, गाली गलौज या तो कोई हर्ट हो गए, ऐसे चार्ट्स भी देवर कैपिटली पनिशेबल इन रोमन. देखो कैपिटली पनिशेबल, डायरेक्ट हैंग कर देते थे, या तो सबसे बड़ा पनिशमेंट. इन अर्ली इंग्लिश एंड जर्मन लॉ इंसल्ट्स वेर पनिश्ड बाय कटिंग आउट द टंग, राइट, जबान काट देते थे. इन द लेट 18th सेंचुरी
only imputation of crime or social disease or casting aspersions on professional competence constituted slander in England. फिर इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा. फ्रेंच डिफेमेशन लॉस वेर वेरी सीवियर. कॉन्स्पिकुअस रिट्रैक्शन ऑफ लीबल्स मैटर्स इन न्यूज़पेपर वाज सीवियरली पनिशेबल एंड ओनली ट्रूथ इज अलाउड एज डिफेंस व्हेन द पब्लिकेशन रिलेटेड टू पब्लिक पर्संस. और इन इटली डिफेमेशन इज क्रिमिनली पनिशेबल एंड ट्रूथ सेल्डम एक्सक्यूज इज डिफेमेशन. राइट, डिफेमेशन लॉ इन इंडिया, इंडिया में कैसा था? Defamation is an offense under both the civil and criminal law. India mein it is offense under civil as well as criminal law. In civil law, defamation is punishable under the law of torts by imposing punishment in the form of damages to be awarded to the claimant. Under the criminal law, defamation is bailable, non-cognizable offense and compoundable offense. Hence, a policeman may arrest only with an arrest warrant issued by a magistrate. The Indian Penal Code punishes the offence with a simple imprisonment up to 2 years or with fine or both. So, defamation law in India, ये सब है, right? Next, types of defamation. सबसे पहले हम लेते हैं libel. Libel refers to permanent defamatory statements such as that which is written, broadcast or otherwise performed. Section 1 of the Defamation Act 1952 and Section 28 of the Cable and Broadcasting Act 1984 and Section 41 of the Theatres Act 1968 sab kya hai libel describe karta hai. The basic ingredients of libel are as under. The statement must be false, subsequent important. See, statement koi bhi de sakta hai, lekin the claimant has to prove that the statement is false. It must be in a permanent form and it must be defamatory. Now, ek case le lete hain. Yusuf versus Meter Picture Limited. Defendants produced and released a film in which a woman with good character and social reputation and position was represented as having forcibly ravished by a man of very bad character. The facts resembled to one woman and the other believed that the film referred to herself. The plaintiff was succeeded without any further proof of to recover special damage. Right? ऐसे बहुत सारे biographic film हुए हैं. Right? लेकिन इसमें क्या है, ज्यादातर director और producer permission लेके करते हैं. और अगर permission लेके करते भी हैं तो कुछ conditions होता है. और अगर director उस condition को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सीन्स या तो ऐसा कुछ सीन रख देते हैं जिसके वजह से उस बायोग्राफिक इंसान का रेपुटेशन खराब हो तो वो क्लेम कर सकते हैं. राइट, ये सारे हैं. हमारे और भी बहुत सारे पिक्चर बने हैं, एम एस धोनी हैं, फिर यहाँ मिस्टर लतीफ का कुछ था वो गैंगस्टर वाला, ऐसे बहुत सारे पिक्चर हैं. तो अगर इसमें गलत इन्फॉर्म किया हो या तो फिर कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसके वजह से उनके कैरेक्टर पे दाग आ सके या तो कुछ गलत बताया गया हो तो दे कैन क्लेम फॉर दैट. राइट, नेक्स्ट इज स्लैंडर. स्लैंडर इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच इज नॉन परमानेंट. देखो ये परमानेंट नहीं है. क्यों? कोई भी चीज वर्बल हो ना वो परमानेंट नहीं हो सकता है. रिटन वाला क्या है, वो प्रूफ बन जाता है, लेकिन वर्बल जो है वो बात बस बोल दिया और खत्म हो गया. द की एग्जाम्पल इज स्पोकन वर्ड. जेस्चर्स ऑल्सो कैन कंस्टिट्यूट स्लैंडर सिंस दे आर अ फॉर्म ऑफ नॉन परमानेंट कम्युनिकेशन. बिकॉज नॉन परमानेंट स्टेटमेंट्स हैव लेसर इफेक्ट देन द परमानेंट स्टेटमेंट अ क्लेमेंट मस्ट शो दैट दे हैव सफर्ड अ स्पेशल लॉस. स्लैंडर में ये वर्ड आपको यूज करना है कि द क्लेमेंट हैज सफर्ड अ स्पेशल लॉस. In effect, a loss which can be estimated in monetary terms. The courts, however, have stretched this definition to include loss of marriage prospectus. किसी की मैरिज रुक जाए, ऐसे कोई आपके वर्ड से है तो ये लॉस हो सकता है, स्पेशल लॉस में आ सकता है. स्लैंडर इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस. राइट, तो आप जब डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं. That is civil as well as criminal offence था. ये सिर्फ civil है, criminal offence नहीं है. The basic ingredients of slander are as under. The statement must be defamatory. It must be false statement. Refers to plaintiff and must have been published. Now,
केस ले लेते हैं, कैसिडी वर्सेस डेली मिरर, राइट, ये न्यूज़पेपर के बारे में, द डिफेंडेंट्स बाय प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ए एंड बी रोट दैट देयर एंगेजमेंट्स वेयर अरेंज्ड। देखिए दो, एक पर्सन और एक आदमी और एक लेडी का फोटो ये डेली मिरर वाले ने छाप दिया और नीचे लिख दिया कि इनके एंगेजमेंट होने वाले हैं या फिक्स हो गया है। अब जो ऑलरेडी वो आदमी जो है, वो इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड है और उनकी जो लॉफुल वाइफ है वो क्लेमेंट बन गई, प्लेंटिव बनी और उसने सू कर दिया। तो इन फैक्ट द प्लेंटिव वाज लॉफुल वाइफ, द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल टू पे डैमेजेस इन द सूट टू दैट लेडी। नाउ इसके डिफेंसेस क्या क्या है, इससे बचाव क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट, आप जो भी बोलते हैं वो आपको प्रूव करना होगा कि वो ट्रू है, दैट इज द फर्स्ट डिफेंस। एज पर सेक्शन 21 ऑफ द 2013 एक्ट, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस विल फॉर्म अ कंप्लीट डिफेंस। नेक्स्ट इज प्रिविलेज। नाउ इंडिविजुअल्स इन सर्टेन रोल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफेमेशन क्लेम्स। दिस टेक्स टू फॉर्म्स, द फर्स्ट बीइंग एब्सोल्यूट प्रिविलेज, दिस इज एंजॉयड बाय पार्लियामेंटेरियंस एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियरी। बरोबर, ये दो जो है ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको उनको प्रिविलेज दिया है, दे हैव गॉट द पावर और स्पेशल राइट्स टू से समथिंग अबाउट समवन। द सेकेंड इज क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब यहाँ पे आता है प्रोफेशनलिज्म। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द 1996 एक्ट एंड कवर सिचुएशन इन विच आई इंडिविजुअल इज ऑब्लाइज्ड मॉरली और स्टैट्यूटरीली टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द 2013 एक्ट, इफ अ स्टेटमेंट इज मेड ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, ये इंपॉर्टेंट, राइट। आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज में नीचे लिखा होगा इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये अगर आप लिखते हैं तो शायद ये डिफेमेशन के लिए क्लेम कोई कर नहीं सकता। एंड द डिफेंडेंट रीजनेबली बिलीव्स दैट पब्लिशिंग द स्टेटमेंट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट ओपिनियन या तो कमेंट, फेयर कमेंट। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द 2013 एक्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन विल नॉट बी कंसिडर्ड डिफेमेशन। अभी एक और एक सबसे अच्छा डिफेंस ये है, अब जब भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं जस्ट एड टू वर्ड्स आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है, ये जो आई थिंक और जो लगता है इट इज एन ओपिनियन, राइट, इट इज नॉट अ फैक्ट और इट इज नॉट द परमानेंट स्टेटमेंट। द की टू एडवांसिंग दिस डिफेंस इज द स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड एज ओपिनियन रेदर देन फैक्ट एंड दैट द स्टेटमेंट्स मेड आर वंस विच आर एक्चुअली मैटर्स ऑफ ओपिनियन रेदर देन फैक्ट। नेक्स्ट इज रिपोर्टेज। एज पर सेक्शन 7 ऑफ 2013 there are variety of situations in which simply reporting what another has said will be protected from defamation claims, right? reporting mein kya hai, kisi ke bare mein kisi ko report karna, agar wo report karne mein kisi ka reputation kharab hota hai to wo defamation ke under nahi aayega, right, because he is just giving the report. Website operators, as per section 5 of the 2013 act, a website owner can defend itself from defamation claim by simply pointing out that that statement was not made by them, right, it was made by a user, this is what they can have that defense, right. To ye website operators ke liye rahega. Conclusion, to hum ye cheezon mein se libel, slander aur defamation mein se hum ye conclude karte hain ki the law of defamation protects your right to your good name, that is reputation. If a person makes a false statement to another to your discredit, you can sue for the damages. Okay, so dosto humne yahan hamara discussion khatam hua, right, defamation, libel or slander aur uske defenses ke bare mein dekha. I hope you understood. Agar aapko aur janna hai to aur do teen baar dekhiye is video ko, aur agar koi query hai to please comment box mein likhiye. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और शेयर इतना कीजिए सो दैट इट रीचेस आउट टू ऑल कॉम्पिटिटर एग्जामिनर्स एंड एलएलबी स्टूडेंट्स, राइट, और सारे कॉम्पिटिटर एग्जामिनर्स को बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो लेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेशन मिलता है। ओके, बाय टिल दैट, bye till our next video. Have a nice day.